तो आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये हल्दी है पीछे। और ये हल्दी आपने पीछे, अगर ये व्लॉग नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे व्लॉग देख सकते हैं जब हमने ये हल्दी निकाली है। आज हम इस हल्दी को मतलब छांट के अलग अलग करेंगे, एक जो लगाने के लिए रखेंगे और एक जो अभी काट देंगे उसको फिर सुखा के पीस देंगे और एक जो हम थोड़ी बेच देंगे। इस तरह से आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को पूरी देखना, पूरी वॉच करना, तो आपको पूरा समझ आएगा और आपको अच्छा बहुत मतलब इसमें देखने को और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये रही हमारी हल्दी और ये आपको मैं बताता हूँ। तो देखो ये वाली है ना, जो ये वाली रखी है हमने, ये दादी जी ने कल अलग से कर दी थी। ये काटने के लिए रखी है जो हम काट के सुखा देंगे। और ये वाली है जो हम बेच देंगे अभी हरी। और ये वाली है हम जो अपने बीज के लिए रखेंगे। बीज के लिए हम ऐसी बड़ी बड़ी रखते हैं क्योंकि जितनी बड़ी आप रखोगे उतना अच्छा बीज आपका रहेगा और मतलब जो स्वस्थ हो, किसी में कोई ऐसे निशान या इस तरह की होती है ना, वो नहीं रखते। तो अभी मेरा क्या काम है कि मुझे पहले इसको ले जाना है इसमें अपने, और फिर वहाँ पर एक खेत में ना, एक आगे हमने गड्ढा सा दिया होता है उसमें हम रखते हैं। तो पहले मैं इसको इसमें भर के ले जाता हूँ। तो ये रहा गाइस, देखो इस तरह का हमने पिछले ईयर भी हमने यहीं पे ही रखा था ये हल्दी अपनी खेत में। इस तरह से ये अपना खेत है, इस तरह से इसमें साइड में गड्ढा दिया है और इसमें अपना मिट्टी चली गई है। पहले मुझे इसकी ये मिट्टी खाली करनी पड़ेगी, इसके अंदर से थोड़ा ये घास वगैरह, फिर इसमें अंदर रखेंगे। तो मैं करता हूँ काम। इस तरह से ना ये मेरा काम हो चुका है। ये देखिए आप, इतनी मैंने इसमें मिट्टी निकाल दी है। और अब इसके बाद ना इसमें इस तरह से पुराना घास चाहे नया कोई भी हो, घास बिछाना पड़ेगा पहले इसमें नीचे और साइडों में भी, फिर उसके बाद ये हल्दी इसमें रखेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने हल्दी इसमें रख दी है। अब इसके ऊपर फिर से एक बार घास रखेंगे, फिर इसको ऊपर से बंद कर देंगे। तो अभी घास लाने चलते हैं। देखिए हमने घास भी रख दिया है इसमें, और अब इसके ऊपर ये पत्थर और एक चद्दर का पीस और साथ में ताजे गोबर का लेप चारों साइड से लगा देंगे इसमें, फिर ये हमारा काम हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ना वॉल्यूम बहुत ही कम आ रही है क्योंकि मैं इस वीडियो को अभी एडिट कर रहा था। तो प्लीज़ आप थोड़ा मतलब अंडरस्टैंड कर लेना क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम रहेगी। मैंने काफ़ी फुल कर दी लेकिन फिर भी वॉल्यूम कम है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।